ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। दो मुख्यमंत्री, एक पार्टी, एक विचारधारा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए रमन सिंह जैसे तीन टर्म के सीएम को योगी आदित्यनाथ जैसे नए नवेले सीएम की शरण में जाना पड़ा। रमन सिंह योगी आदित्यनाथ की आरती कर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ रमन सिंह की मजबूरी नहीं है, ये बीजेपी की लाचारी है। क्योंकि 2019 में विकास से दूरी और हिंदुत्व से यारी बढ़ने वाली है, इसलिए छत्तीसगढ़ की धरती से यूपी के सीएम मंदिर बनने की घोषणा कर रहे हैं। मंदिर को लेकर जो है एक बार माहौल गरमाया हुआ है, योगी जी कब बनेगा मंदिर? भाई, छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, तो ननिहाल ने कार्य शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि घर में भी कार्य जरूर होगा, बनेगा। छत्तीसगढ़ ने शुरुआत कर दी है। केंद्र और आपकी ओर से क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या सामूहिक कोई प्रयास होगा या फिर अदालत का फैसला? बहुत शीघ्र आपको सब कुछ देखने को सर। बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ योगी आदित्यनाथ को रमन सिंह के पर्चा भरवाई समारोह में भेजा। दरअसल ये तो सिर्फ एक पानगी है, 2019 में मंदिर मुद्दा को जोर शोर से भुनाने की तैयारी है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि 2019 में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी सांसदों को 2019 से पहले मंदिर पर माहौल बनाने को कहा गया है। बीजेपी के सांसद बीएचपी के मंदिर बनाओ वाले ज्ञापन पर दस्तखत करेंगे। बीएचपी का मंदिर बनाओ वाला ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। बीजेपी के तमाम सांसद सीधे प्रधानमंत्री को कानून बनाने के लिए खत लिखेंगे। 31 जनवरी को इलाहाबाद में धर्म संसद हो रही है, अमित शाह उसमें हिस्सा लेंगे। इलाहाबाद की धर्म संसद में राम मंदिर पर बड़ा ऐलान हो सकता है। बीजेपी को मंदिर पर जोर आजमाइश करने की ताकत सबरीमाला मंदिर विवाद से मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं का मंदिर में प्रवेश नहीं हो पाया। बीजेपी को अब ये कहने का मौका मिल गया है कि आस्था का सवाल अदालत से हल नहीं हो सकता।